नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप एक नए अमेज़न सेलर हैं और आपको पहला ऑर्डर रिसीव हुआ है तो उसको आप प्रोसेस कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप एक नए सेलर हैं या एक नया सेलर बनने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अमेज़न सेलर के पैनल में हूँ और मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। हालाँकि ये मेरा पहला ऑर्डर नहीं है, लेकिन बस महज आपको बताने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। हालांकि मेरा इसके पहले भी कई ऑर्डर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ऑर्डर डेट है 14 तारीख को, यानी कल की डेट में ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ। नॉर्मली जब भी मुझे ऑर्डर आता है तो विद इन एक घंटे के अंदर मैं उसे प्रोसेस कर देता हूं, शेड्यूल कर देता हूं। लेकिन ये वीडियो मुझे बताना था, इसलिए मैंने इसे डिले किया और 19 घंटे लेट हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, एक बात मैं बता दूँ कि आपका ऑर्डर जो शेड्यूल होगा वो अकॉर्डिंग टू उनके पास जो भी स्लॉट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तो कोई बात नहीं है। 48 आवर के अंदर आपको अपना ऑर्डर मतलब वो पिक कर लेंगे। आपको शेड्यूल तो कर देना है 24 घंटे के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, शेड्यूल, पिकअप, प्रिंट पिकअप स्लिप, प्रिंट इनवॉइस एंड कैंसिल ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे COD ऑर्डर है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, तो शेड्यूल पिकअप पर आपको नॉर्मली क्लिक करना है। जैसे ही कोई ऑर्डर आए, मैनेज ऑर्डर पर आइए, यहाँ चौथे वाले कॉलम पर मैनेज ऑर्डर पे आइए। आपके जितने ऑर्डर हैं सारे ऑर्डर यहाँ शो होंगे, उसके बाद से आपको शेड्यूल ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ऊपर उस ऑर्डर की डिटेल्स हैं, प्राइस है, क्वांटिटी है, और नीचे आपको यहाँ पे उसका वेट लिखना होगा। वेट का मतलब है सिर्फ प्रोडक्ट का वेट नहीं, पैक करने के बाद जो एग्जैक्ट वेट होगा उसका, वो वेट आपको लिखना है। अगर आप बॉक्स में करते हैं, रैपर में करते, कैसे भी करते हैं, उसका वेट लिखिए। तो मेरा छोटा सा प्रोडक्ट है, उसका वजन है 100 ग्राम, तो मैंने लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों मैंने ऑलरेडी कुछ ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसका मैंने डायमेंशन यहाँ डाल रखा है। तो आप चाहें तो, अगर आपने नहीं डाला है तो इंटर न्यू डायमेंशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको इसकी लेंथ डालनी है, पैक करने के बाद उस प्रोडक्ट की लेंथ कितनी होगी सेंटीमीटर में। तो मैं डाल देता हूँ 10 सेंटीमीटर, वेथ उसकी है 5 सेंटीमीटर और हाइट उसकी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पैकेज का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो इसको सेव कर सकते हैं, मतलब अगर यही चीज़ आपको बार बार ना करना पड़े, यही डायमेंशन आपको बार बार ना डालना पड़े इस प्रोडक्ट के लिए, तो आप इसे सेव कर दीजिए। तो मैं इसे सेव कर देता हूं, ठीक है। इस पैकेज का नाम भी मैं लिख देता हूं, जिससे कि मुझे पता रहे कि ये किस चीज़ का पैकेज था, ठीक है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, क्लियर। उसके बाद से दोस्तों आपको गेट पिकअप स्लॉट पर क्लिक करना होगा। पिकअप यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आज है 15 तारीख, कल है 16 तारीख। यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, कल की डेट में भी मैं स्लॉट बुक कर सकता हूँ और परसों की डेट में भी कर सकता हूँ, तो मैं कल की डेट में करूँगा। यहाँ पे जो टाइमिंग है 11 से 1 का स्लॉट है और 1 से 4 का, तो सुबह वाले स्लॉट में मैं इसे बुक करूँगा। यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट बुक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर ईजी स्लिप का चार्ज दिखा देगा, यानी 56 रुपये, यानी 56 रुपये 64 पैसे, यानी मान के चलिए टैक्स वक्स लगा के 60 रुपये 62 रुपये के लगभग ये शिपिंग फ़ी आपसे कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपको बस शेड्यूल पिकअप, यहाँ टाइमिंग आपने डिफाइन कर दिया, डेट डिफाइन कर दिया और आपने शेड्यूल पिकअप पे क्लिक कर दिया। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ 11 से 1 वाला स्लॉट मैंने सेलेक्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि 11 बजे के बाद बंदा आएगा। मैंने तो नॉर्मली, मेरे यहाँ तो यही होता है कि सुबह 9 बजे के पहले बंदा फ़ोन कर देता है, 8:30 बजे तक फ़ोन कर देता है, सुबह सुबह ही पिक कर लेता है। तो पिकअप करने वाला जो पर्सन है उस पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितना शेड्यूल है, क्या बिजी वगैरह वगैरह, उसके अकॉर्डिंग वो करता है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपने इसे स्लॉट को बुक कर दिया, तो अब आपका कल, मेरा मतलब कल ये ऑर्डर पिक करने के लिए वो आएगा। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद आपको इनवॉइस और इसका जो शिपिंग लेबल है, दोनों चीज़ें आपको प्रिंट करनी होंगी। तो यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ प्रिंट पर क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट जब ऑर्डर दिया है डाउनलोड हो चुका है, और PDF फॉर्मेट में आपके शिपिंग लेबल और आपका जो इनवॉइस है, ये दोनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। बस आप इसे सेव कर दीजिए और अपने प्रिंटआउट निकाल के आप इसे एक लगा दीजिए और बिल उसमें डाल के आप सिप को प्लेस कर दीजिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद से। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।